नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। श्रावस्ती जिले के विकास खंड हरिहर पुराने के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज पटना खरगौरा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता हेतु मतदाता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे आयुक्त देवी पाटन मंडल गोंडा महेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर कहा कि महिला युवा मतदाता जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को मतदान किया जाना आवश्यक है। आयुक्त महोदय ने इस भव्य कार्यक्रम को देखकर देवी पाटन मंडल के सभी जनपदों में सबसे बेहतर होने पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस जनपद में जो जज्बा मैंने देखा ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी दीपक मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में मतदाताओं को 100% मतदान करने के उद्देश्य से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाता जागरूकता रथ, वीडियो वैन, प्रोजेक्टर, रंगोली कार्यक्रम, बच्चों द्वारा रैली आदि के माध्यम से मतदान के दायित्व बोध को समझाते हुए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद वासियों से अधिक मतदान करने तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे एक मत से सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है। कार्यकर्ताओं को जो उनके स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ता हैं उनको बुलवाया है, जो गांव में जन जागरण कर रहे हैं इस बात के लिए कि सभी लोगों को अपना मतदान करना चाहिए। मतदान का प्रतिशत गत निर्वाचन में 60% के लगभग था, जिसको हमें बढ़ाकर के 75% से ऊपर ले जाना है। जब सबकी भागीदारी निर्वाचन में अपने मताधिकार की होगी और सही उम्मीदवार को हम चुनने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, तो यही हमारी लोकतंत्र प्रतिबद्धता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जनपद का विकास हो और विकास में हम भी उसमें अपनी आहुति डालें, तो विकास के साथ में अगर आप अपने सही जनप्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजेंगे तो वो आपके हितों की रक्षा और विकास की गंगा बहाने में आपके लिए एक साधक की भूमिका अदा करेगा। आईबी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईबी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।